दुर्ग पुलिस ने नशीली दवाओं की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां नशीली दवाई की बिक्री करने वाले 3 आरोपियों को जबलपुर मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से प्रतिबंधित नशीली दवाई अल्फा जोलम स्पास्मो टैबलेट इंजेक्शन मोबाइल लैपटॉप लाइसेंस GST बिल और अन्य दस्तावेज जब्त किए। नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग चिराग जैन ने बताया कि प्रतिबंधित नशीली दवाई बिक्री करने वालों के खिलाफ दुर्ग पुलिस अभियान चला रहा है, जिसके तहत नशीली दवाओं की तस्करी करते तस्करों को गिरफ्तार किया। अभियान के तहत ही ये कार्रवाई की गई है। पिछले महीने थाना कोतवाली दुर्ग में एक कार्रवाई हुई थी NDPS में। उसमें हमने कोतवाली क्षेत्र में ही एक राकेश मेडिकोज नाम के मेडिकल स्टोर पे सर्च किया था, तो वहाँ पे हमें एल्फ्राजोम टैबलेट्स और स्पाजमोस कैप्सूल्स के लगभग 30 डब्बे मिले थे। उस बेसिस पे हमने बैकवर्ड लिंकेज एस्टेब्लिश किया और उसके बेसिस पे हम जबलपुर पहुँचे। कल हमारी टीम ने जबलपुर में सर्च किया तो एक राधे स्वामी मेडिकल फर्म, जिसको लखन उचानी नाम का एक व्यक्ति संचालित करता था, उसके यहाँ हमने सर्च किया तो हमें लगभग 30,000 की मात्रा में एल्फ्राजोम टैबलेट्स 0.5 mg एल्फ्राजोम टैबलेट्स 600 और ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल्स 1800 की मात्रा में मिले। उससे फर्दर पूछताछ करने में उसने बताया कि वह राजेश सोनी नाम के व्यक्ति के यहाँ भी अपना मटेरियल स्टोर करता था, तो हमने वहाँ उसके यहाँ जाके सर्च किया तो हमें एल्फ्राजोम टैबलेट्स 1,09,200 की मात्रा में मिले, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 2 लाख रुपए है, और प्रोक्सियम स्पास कैप्सूल्स मिले जो 6,720 की मात्रा में थी, जिनकी मार्केट वैल्यू लगभग 59,000 रुपीज़ है।